नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड और सीटीटी से रिलेटेड और अन्य प्रकार के वीडियो जो कि ट्यूटोरियल से रिलेटेड होते हैं, फॉर्म फिलिंग और बहुत सारे रिलेटेड वीडियो रहते हैं, टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड रहते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सीटीटी और बीएड का में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ना चाहते हैं ये सब चीज़, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आने वाले दिनों में जो सीटीटी एग्जाम आने वाले हैं उसमें लर्निंग एंड टीचिंग एंड द स्कूल के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, जो कि ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये इग्नू द्वारा जो ली गई है एंट्रांस उसका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का बकायदे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाहता हूं। और आप लोग देखते रहिए वीडियो, लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए तो क्वेश्चन नंबर 56 से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले पार्ट 4 तक मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी ये प्रोसीड रहेगा, जारी रहेगा, एपिसोड यानी पार्ट जो है बढ़ता रहेगा। और अगर आपका एडमिशन बीएड में हो जाता है तो आपको कई तरह के कठिनाइयां आने वाले हैं, क्योंकि मैं इस सभी कठिनाइयों को दूर करूंगा। और यहाँ पर सभी पेपर का जो बीएड के कोर्स में जितने भी पेपर पढ़ाए जाते हैं, जितने भी उसमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उन सभी की जानकारी मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो वीडियो में आप ही देख सकते हैं, आप टीचिंग एंड लर्निंग के कुछ क्वेश्चन है। तो 56 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लर्निंग एंड टीचिंग सेक्शन का जो है, शिक्षण एवं अधिगम का जो है पार्ट है, इसमें देख सकते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में हस्तक्षेप करता है तो आपका दृष्टिकोण जो है कि क्या होगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो देख सकते हैं व्हाट वुड बी योर अप्रोच इफ अ स्टूडेंट इंटरप्ट्स इन योर क्लास। तो इसका ऑप्शन निकल के आता है इंग्लिश मीडियम में, यू विल आस्क हिम टू लीव द क्लास। बी में आता है देख सकते हैं, यू विल आस्क हिम टू बिहेव प्रॉपरली। उसके बाद है सी में है कि यू विल असेस हिज रीजन टू डू द सेम। उसके बाद है यू विल गिव हिम एक्स्ट्रा होमवर्क। तो हिंदी में अगर देखें इसका आंसर देखें तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, सी, यानी आप ऐसा करने के अपने कारणों का अवलोकन करें, ऐसा क्यों कर रहा है बच्चा उसका अवलोकन करना होगा। यहाँ पर इसका आंसर निकल के आता है सी, यू विल असेस हिम हिज रीजंस टू डू द सेम। मतलब आप इसका असेस करें, अवलोकन करें आप अपने में जो है कि किस तरीके की कमी आ रही है हमले में, जिससे कि वजह से बच्चे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन निकल के आता है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू प्रेफर to address a student who has not completed his homework. तो इसका ऑप्शन निकल के आता है when you are going to complete it। उसके बाद बी में है you did not try it। उसके बाद है why did you not complete it। उसके बाद है you better ignore it now। उसके हिंदी में अगर देखें कि यदि यहाँ देखें 57 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप ऐसे छात्रों को कैसे संबंधित करना पसंद करेंगे जिन्होंने अपना घर काम जो है जिन्होंने होमवर्क पूरा नहीं किया हो। तो इसका ऑप्शन है देख सकते हैं, जब आप कोई पूरा काम करने जा रहे हैं, आपने ऐसा नहीं किया, कोशिश करो। उसके बाद आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया, मतलब क्या पूछेंगे उससे, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर निकल के आता है सी, आप इसे पूरा क्यों नहीं किया। इसी को इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में निकल के आता है व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट इट। उसके बाद आगे देखें इसका क्वेश्चन नंबर 58 में देख सकते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन में है कि स्कूल शुड बी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसका मतलब व्हिच शुड इंक्लूड, यहाँ कह रहा है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द चाइल्ड। यहाँ पर बी में है एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल बाय द चाइल्ड। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ स्किल रिक्वायर्ड बाय द नेशन। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ स्किल रिक्वायर्ड बाय अ हेल्दी पर्सन। तो अगर हिंदी में इसको देखें इस क्वेश्चन को तो देख सकते हैं आप, इसको हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में देखें कि 58 नंबर क्वेश्चन था स्कूल को बच्चे के विकास से चिंतित होने चाहिए, जिसे शामिल होना चाहिए यहाँ के बच्चे द्वारा ज्ञान का अधिग्रहण, बच्चे द्वारा जीवन कौशल का अधिग्रहण। उसके बाद है देश द्वारा आवश्यक कौशल का अधिग्रहण, एक स्वस्थ व्यक्ति
द्वारा आवश्यक कौशल का अधिगम अधिगम अधिग्रहण जो है कि होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, बच्चे द्वारा जीवन कौशल का अधिग्रहण होना चाहिए, ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल गया आता है बी, एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल बाय द चाइल्ड। आगे क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन की द मेन रीजन ऑफ नॉन अचीवमेंट ऑफ फुल इंटरेक्टिव लिटरेसी इन इंडिया इज, मतलब मेन रीजन क्या है नॉन अचीवमेंट का जो कि फुल लिटरेसी है। देख सकते हैं इसका ऑप्शन लैक ऑफ फंड है, इनकैपेबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, उसके बाद है लैक ऑफ सुटेबल फैसिलिटीज, लैक ऑफ विल टू अचीव द गोल। तो इसको हिंदी में अगर देखते हैं तो हिंदी में अगर आप देखें इस क्वेश्चन को 59 नंबर क्वेश्चन में, तो भारत में पूर्ण साक्षरता की अनुपलब्धता का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ है धनी, धन में कमी, धन की कमी, धन की उपयोगिता की अक्षमता, उसके बाद उपयुक्त सुविधाओं की कमी, लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा की कमी। तो यहाँ देखें तो उत्तर इसका निकल के आता है डी की, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इच्छा की कमी, ये आंसर होगा सही। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ। कुछ सब्सक्राइबर और व्यूअर कह रहे थे कि पिक्चर बड़ा कीजिए, तो मैं पिक्चर तो बड़ा कर देता हूं लेकिन वो कुछ क्वेश्चन का पार्ट होता है वो कट जाता है, इसकी वजह से मैं ये करता हूं। तो आप इस माध्यम को ऐसा करके देखिए कि मोबाइल को आप मोबाइल में देख रहे हैं तो उसको लैंडस्केप मोड में देखिए, उसको फुल स्क्रीन मोड में देखिए, तो अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे। मैं क्वालिटी बेहद क्वालिटी अच्छा करके भेजता हूँ, मैं HD क्वालिटी में बनाता हूँ, और क्वालिटी बढ़ाकर देखिए तो आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे बेहतर तरीके से। यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो निकल के आता है 60 नंबर क्वेश्चन की द मेन पर्पस ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन PAT इन एनी स्कूल इज टू। यहाँ है ऑप्शन नंबर ए में कीप स्टूडेंट इन चेक कंट्रोल, उसके बाद है कलेक्ट एडिशनल फंड फॉर रिमेडियल टीचिंग, उसके बाद है सी में कि शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स फोर्स्ड बाय स्कूल, उसके बाद है इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर निकल के आता है डी। इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में देखें 60 नंबर क्वेश्चन को कि किसी भी स्कूल में अभिभावक संघ शिक्षक संघ PTA का मुख्य उद्देश्य है, यानी छात्रों के चेक मानी नियंत्रण में रखें, उसका बी में है उपचारात्मक शिक्षण के लिए अतिरिक्त धन इकट्ठा करें, स्कूल द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को समझकर साझा करें, उसके बाद स्कूल के कामकाज में सुधार के लिए माता पिता को शामिल करें। इसका आंसर है डी, स्कूल के कामकाज में माता पिता को शामिल करें, ये आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक छात्र आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही जवाब देता है, इसके बाद आप क्या करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन को जवाब जो है कि आंशिक रूप से देता है तो बच्चे आप क्या करेंगे, तो और जानकारी खोजें, मजबूती प्रदान करें, उसके बाद अपने प्रश्नों को दोबारा बदलें, यहाँ है सही जानकारी बताओ। यहाँ देख सकते हैं आप इसी क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि अ स्टूडेंट गिव्स अ पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन देन यू विल, यानी कह रहा है कि सीक फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कम री इन्फोर्समेंट, उसके बाद है रिफ्रेम योर क्वेश्चन, उसके बाद है टेल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है बी, प्रोवाइड द री इन्फोर्समेंट, यानी उसे पुनर्बलन की सहायता होगी जिसे कहते हैं री इन्फोर्समेंट। आप अगला क्वेश्चन देखें 62 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं स्कूल कैन बी कॉल्ड अ सोशल एजेंट इफ, यानी ए नंबर ऑप्शन में निकल के आएगा इट्स ट्रांसमिट नॉलेज, बी में है कि इट एडुकेट्स अबाउट राइट एंड ड्यूटीज, उसके बाद सी में है इट्स इम्पार्ट्स नॉलेज अबाउट ट्रेडिशंस एंड वैल्यू, उसके बाद है इट ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज। अगला क्वेश्चन निकल के आएगा 62 नंबर में देख सकते हैं उसी क्वेश्चन का, अगर इंग्लिश में देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में है कि स्कूल, हिंदी में माफ कीजिएगा हिंदी में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि स्कूल को सामाजिक एजेंट कहा जा सकता है अगर जो है कि यह ज्ञान संचारित करता हो, यह अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करता हो, या परंपराओं और मूल्यों के बारे में प्रदान करता हो, या विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता हो। तो इसका आंसर निकल के आएगा ये डी कि यह विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता हो, ये आंसर होगा इसका। और अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पारंपरिक स्कूलों और खुले सीखने के
स्कूल के बीच एक बुनियादी अंतर यह है कि मतलब पारंपरिक स्कूल और खुले जो स्कूल होते हैं उसके लिए क्या है, पारंपरिक जो है बुनियादी जो अंतर है ये वो क्या है कि पूर्ण व्यवस्थित होता है, उत्तरार्ध सांस्कृतिक मूल्यों की खेती नहीं करता है, उसके बाद उत्तरार्ध आधुनिक गैजेट का प्रयोग उपयोग करता है, उसके बाद है पूर्व व्यक्तिगत व्यक्तिगत जो है कि स्पर्श होता है। तो इसी क्वेश्चन को 63 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो देखिए यहाँ पे कि वन बेसिस डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशंस स्कूल्स एंड ओपन लर्निंग स्कूल इज दैट, यहाँ कह रहा है कि ओपन जो है स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल है उसमें क्या फर्क है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि द फॉर्मर आर सिस्टमेटिक, यहाँ है कि द लेटर डू नॉट कल्टेटिव कल्चरल वैल्यू, उसके बाद है द लेटर यूज मॉडर्न गैजेट्स है, उसके बाद द फॉर्मर कैरी अ पर्सनल टच है, उसके बाद इसका आंसर देखें तो डी है कि द फॉर्मर कैरी पर्सनल टच। हिंदी में इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा पूर्व व्यक्तिगत स्पर्श जो है कि ये आंसर होगा 63 नंबर क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में है कि जहां तक सोसाइजिंग एजेंसी मतलब सोसाइटी का जो एजेंसी है का संबंध है, स्कूल को समूह माना जा सकता है, स्कूल को जो है समूह माना जा सकता है, यहाँ 63 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का अगर इंग्लिश मीडियम में देखते हैं तो स्कूल कैन बी कंसिडर्ड अ ग्रुप एज फॉर एज सोशलाइजिंग एजेंसी इन कंसर्न, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री और ट्रेटरी है। उसके बाद देखें इसका आंसर क्या होता है, आंसर है बी यानी सेकेंडरी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि उसी क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए यहाँ पर हिंदी में, तो हिंदी में होगा माध्यमिक, आप समझ सकते हैं इस बात को। आगे क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में है कि हु व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इज नॉट ट्रू, यहाँ कह रहा है कि जो स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं वो कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं इसी क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है, वही पूछा जा रहा है कि एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल इज अ पार्ट ऑफ मैच्योरेशन, उसके बाद है कि बी में है एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल इज पार्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, उसके बाद सी में है कि लाइफ स्किल आर डायरेक्टली मॉड्यूल्ड, उसके बाद है डी में है लाइफ स्किल्स आर लर्न्ड, यानी देख सकते हैं इसका आंसर देखें तो ए है एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल इज पार्ट ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ कह रहा है कि जीवन कौशल का अधिग्रहण परिपक्वता के साथ है, ये आंसर होगा इसका। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में है कि एक छात्र साझा करना चाहता है कि अपने शिक्षक के साथ समस्या है और उसके घर पर शिक्षक के पास जाता है, ऐसे स्थिति में शिक्षक को जो है कि क्या करनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर निकल के आता है क्या इसी क्वेश्चन का, अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को कि स्टूडेंट वांट टू शेयर इज प्रॉब्लम विथ द टीचर एंड विजिट्स द टीचर फॉर द सेम एट हिज होम, उसके बाद इन सच अ सिचुएशन द टीचर शुड, यहाँ कह रहा है कि देख सकते हैं आप टीचर शुड, इसको हम थोड़ा जूम आउट कर दिए हैं तो देख सकते हैं आप छोटा छोटा दिख रहा होगा ये क्वेश्चन के लिए जो कि कट रहा था इधर क्वेश्चन, तो जूम आउट कर दिया मैंने। यहाँ देखिए इसका आंसर ऑप्शन जो है कि सजेस्टेड टू हिम टू रीस्केप है फ्रॉम हिज होम है, उसके बाद बी में है कि कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स आर एंड प्रोवाइड हेल्प, उसके बाद एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मेमोरेबल, इसके बाद है डी में है कि वार्म हिम टू नेवर विजिट His home. तो ये ऑप्शन निकल के आ रहा है इसमें से देख सकते हैं। तो देखिए आगे इसका हिंदी अगर देखें तो हिंदी में देख सकते हैं कि ये घर अपने घर से बचने के लिए सुझाव दें, माता पिता को संपर्क में सहायता करें, उसके बाद ये आंसर उसका देख लेते हैं आंसर सी है उचित मदद बढ़ाएं और उसके मनोबल को बढ़ावा दें, इसका आंसर सी निकल के आता है कि एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प टू बूस्ट इज मेमोरेबल। इसके बाद है आगे क्वेश्चन देख सकते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में कि इफ अ स्टूडेंट एलिगेश एजेंट अगेंस्ट योर फॉर्म शोइंग फेवरिज्म इन इवेल्युएशन ऑफ स्प्राइट स्क्रिप्ट कह सकते हैं ऑफ स्क्रिप्ट हाउ वुड यू डील विथ हिम, ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर वन में कि रिजेक्ट हिज एलिगेशन एलिगेशंस, उसके बाद है अडॉप्ट
पंक्टेटिव मेजर्स है, उसके बाद है मेक एफर्ट्स टू रिलेबल हिज पोजिशन, उसके बाद सो हिज आंसर बुक एंड फ्यू मोर। इसको आंसर देखें अगर हिंदी में, इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं, यदि कोई छात्र स्क्रिप्ट के मूल्यांकन के पश्चात दिखने के लिए आपके खिलाफ आरोप लगाता है तो आप उसके कैसे निपटेंगे। अगर कोई छात्र जो है कि आपके मूल्यांकन पर प्रश्न उठाता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर देखें तो डी निकल के आता है, अपनी उत्तर पुस्तिका और कुछ और दिखाएं, मतलब अपनी उत्तर पुस्तिका और कुछ और दिखाएं, मतलब उसके उत्तर पुस्तिका को दिखाएं कि किस तरीके से आपने आंसर दिया था और मैंने किस तरीके से इवैल्यूएशन किया है। तो आप ये करना चाहिए कि सो द आंसर बुक एंड फ्यू मोर, यह आंसर होगा इसका 68 नंबर क्वेश्चन। देख सकते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में है कि द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद व्हिच स्कूल पर्सनल हैव बीन इंस्ट्रक्टेड इन ट्रस्टेड इज दैट ऑफ, यहाँ कह रहा है कि अगला जो है 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जिस प्रमुख जिम्मेदारी, मतलब जिस प्रमुख जिम्मेदारी के साथ स्कूल कर्मियों को सौंपा गया है वह है कि कौन सा, स्कूल का मेन जिम्मेदारी जो है कि सौंपा गया है बच्चों के लिए। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है कि बच्चों की जरूरतों के लिए, ए मानसिक सामाजिक मांगों को समायोजित करना, बी में है कि समाज में समाज की मांगों के अनुरूप बच्चों को समायोजित करना, सामाजिक प्रकृति के अनुरूप मानव प्रकृति को बदलना, समाज के बदलने के लिए बच्चों की तैयारी करना। तो इसका आंसर निकल गया आता है बी, समाज की मांगों के अनुरूप जो है बच्चों को समायोजित करना। ये आगे इसका आंसर देखें इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में भी वही होगा, एक्विजिशन ऑफ चाइल्ड टू कंफॉर्म टू द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जैसी मांग है उसके अनुसार बच्चों को शिक्षा दिए जाने चाहिए। ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड रिपोर्ट विद स्टूडेंट टीचर शुड, यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, आप जो है विद्यालय में किस तरीके की एक्टिविटी करना चाहिए जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देख सकते हैं कि छात्रों के साथ तालमेल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि का चयन, मतलब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए छात्रों को, अच्छा तालमेल बनाने के लिए छात्रों, अपने छात्रों से प्यार करो, सभी के साथ दोस्ताना रहो, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, अच्छी तरह की से संवाद करना चाहिए, दोस्ताना वाला हो सकता है। देख सकते हैं सी में है कि व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, ये आंसर होगा इसका। देख सकते हैं 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि पे इंडिविजुअल अटेंशन, मतलब एक व्यक्तिगत जो है कि व्यक्तिगत अटेंशन, मतलब ध्यान देने योग्य करना चाहिए यहाँ पे एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है द बेस्ट रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच अ टीचर कैन कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स इज इफ, इसके बाद ऑप्शन नंबर वन में है कि ही फॉलोज इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन द क्लास, उसके बाद ही डेडिकेट नोट्स deducts notes to the class, उसके बाद he reads and explain the textbook book, उसके बाद है आगे कि he does not give an home assignment। इसको अगर हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में आप देख सकते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा कारण जिसके कारण एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान कम कर सकता है, यानी सम्मान कम कर सकता है यदि जो है कि वह कक्षा में अभिनव प्रथाओं का पालन करें, उसके बाद वह वर्ग की नोट्स पर निर्देशित करता है, वह पाठ्यपुस्तक पढ़ाता है और बताता है, वह घर असाइनमेंट नहीं दिया है। तो इसका आंसर निकलेगा कि ए, यानी वह कक्षा में अभिनव प्रथाओं का पालन किया है। यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर भी ए में होगा, ही फॉलोज द इनोवेटिव प्रैक्टिस इन द क्लास। अगला क्वेश्चन निकल के आता है 71 नंबर क्वेश्चन कि डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यू अमॉन्ग स्टूडेंट ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वुड यू डू डेवलप द सेम, यानी कह रहा है कि ए नंबर ऑप्शन में इनकरेज मॉरल वैल्यू रिलेटेड वर्क्स है, बी में है कि ऑर्गेनाइज लेक्चर्स, सी में है डिस्प्ले स्टोरीज बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, उसके बाद सी डी में है कि पेरेंट्स योर सेल्फ एज अ रोल मॉडल। तो इसका आंसर देखें तो डी है कि प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ रोल मॉडल। इसी क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को कि छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विकास के लिए
विकास करने के लिए आप क्या करेंगे, तो क्या है कि नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों को प्रोत्साहित करेंगे, ये आंसर होगा इसका। देख सकते हैं कि व्याख्यान व्यवस्थित करें, उसके बाद नैतिक मूल्यों के आधार पर कहानी प्रदर्शित करें, खुद को एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रदर्शित करें, तो आंसर नंबर डी होगा, खुद को एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रदर्शित करें। तो इसका अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसका अगला क्वेश्चन है, टीचिंग एड आर यूजुअल बिकॉज दे, यहाँ कह रहा है कि हेल्प टीचर्स वर्क एक्टिविटी ऑल सेंसेस हेल्प स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव, उसके बाद मेक लर्निंग मोरल मीनिंगफुल। उसके बाद इसी क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में है कि सहायक शिक्षण सामग्री जो है कि क्या है, क्योंकि मतलब सहायक शिक्षण उपकरण उपयोगी है क्यों, ये पूछा जा रहा है कि शिक्षकों को काम में मदद करते हैं, सभी इंद्रियों को सक्रिय करते हैं, छात्रों को चौकस होने में मदद करते हैं, सीखने और अधिक सक्रिय बनाते हैं। तो इसका आंसर देखें तो डी निकल के आता है, सीखने और जो है अधिक सक्रिय बनाता है। तो अगला क्वेश्चन निकल के आता है इसी में से कि 73 नंबर, शिक्षक के कक्षा के कमरे में बिहेवियर अच्छा होना चाहिए क्योंकि जो है क्या, क्यों होना चाहिए अच्छा, तो यह एक उदाहरण स्थापित करेगा, छात्र अधिक चौकस होंगे, पर्यावरण सीखने के लिए अनुकूल होगा, इस छात्र जो है इसकी सराहना करेंगे। तो यहाँ देखें अगला क्वेश्चन है उसी में से हिंदी इंग्लिश में है जो उसी का कि टीचिंग टीचर्स क्लास रूम बिहेवियर शुड बी गुड बिकॉज इट विल सेट एन एग्जाम्पल। इसके बाद है स्टूडेंट विल बी नॉट अटेंटिव, उसके बाद डी में है कि एनवायरमेंट वुड बी कंडक्टिव टू लर्निंग, उसके बाद स्टूडेंट विल बी अप्रिशिएट इट, मतलब है कि इसका आंसर होगा एनवायरमेंट वुड बी कंडक्टिव टू लर्निंग। यहाँ देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, यू हैव अ क्लास विच इज वेरी हेटरोजेनियस इन हाइट, इसके बाद है योर शुड बी अलाउड टू सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि व्हिच इज रैंडम, वेयर सिमिलर स्टूडेंट आर अलाउड टू सिट इन सच अ वे दैट दे कैन बी एंड पार्टिसिपेट इजली इन क्लास एक्टिविटीज। यहाँ कह रहा है अगला नंबर ऑप्शन की व्हिच इज पोअरली बेस्ड ऑन हाइट, उसके बाद है कि ही दैट हैज टेलर्ड स्टूडेंट ऑन वन साइड ऑफ स्टूडेंट क्लास, उसके बाद इसी का हम आंसर देखें तो बी निकल के आता है, जो कि है कि शिक्षक के कमरे में, ये नीचे होगा 74 नंबर क्वेश्चन होगा कि आपके पास एक कक्षा है जो ऊंचाई में बहुत विषम है तो उसमें आपकी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ छोटे छात्रों को इस तरह बैठने की अनुमति दें कि वर्ग गतिविधि में आसानी दे सके, मतलब वर्ग गतिविधि में जो आसानी से भाग ले सके, आसानी से देख सके, ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, क्लासरूम परीक्षा में धोखाधड़ी का सबसे अच्छा कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है, नहीं को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, अध्ययन करने के लिए बहुत आलसी, उसके बाद अच्छे अंक के लिए माता पिता का दबाव, विफलता का डर, आत्मप्रतिष्ठा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो डी है कि आत्मप्रतिष्ठा। अगर 75 नंबर क्वेश्चन का इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में देख सकते हैं व्हिच ऑफ वन फॉलोइंग मे नॉट बी द बेस्ट रीजन ऑफ चीटिंग इन द क्लासरूम एग्जामिनेशन, उसके बाद है कि टू लेजी टू स्टूडेंट, उसके बाद है पेरेंटल प्लीजर फॉर गुड मार्क, उसके बाद है फेयर ऑफ फेलियर, उसके बाद है सेल्फ प्रेस्टिजाइज प्रेस्टिसाइज, देख सकते हैं इसका आंसर होगा डी सेल्फ प्रेस्टिसाइज। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, इन हिज एज ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस डिमांड इंक्लूजन ऑफ गेम एंड सपोर्ट स्पोर्ट इन स्कूल इज, यहाँ कह रहा है स्पोर्ट के बारे से रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा के रूप में होनी चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम, उसके बाद टॉकिंग अवे लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम द एकेडमिक वर्क, उसके बाद है गिव टाइम फॉर लेजरिंग रिलैक्सेशन, उसके बाद डी में है कि नेसेसरी फॉर द को ओरिएंटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर निकल गया था डी की नेसेसरी फॉर द को ओरिएंटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ देख सकते हैं इसी क्वेश्चन का अगर आंसर देखें हिंदी में देख सकते हैं आप, हिंदी में देखें तो अकादमी उत्कृष्टता की मांग के इस युग में
स्कूल के खेलों और खेल शामिल करना है तो देख सकते हैं इसका होगा कि एक ही बर्बादी जो है समय की बर्बादी अकादमी काम में। तो इसका आंसर देखते हैं क्या निकल के आता है। आंसर है इसका कि व्यक्ति के समन्वय विकास के लिए आवश्यक होनी चाहिए। ये आंसर होगा इसका 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। इस निम्नलिखित में से हवा में से कौन सा अजीब है। हवा में से कौन सा अजीब है, यह ठीक से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका देखते हैं प्रोफ्लेव, उसके बाद मलेरिया मोंटेसेरी, मारिया मोंटेसेरी अलग सोच, उसके बाद है कलर, सहकारी सीखना, गांधी जी, मृदा हाथ। उसके बाद इसकी क्वेश्चन का अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज, देख सकते हैं पेयर्स इज ऑड, यहाँ पर कह रहा है कि और नॉट प्रॉपरली एसोसिएटेड। तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका डी होगा, गांधी जी सोशलाइज्ड हैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा 78 नंबर क्वेश्चन कि व्हाइल टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ अ सर्किल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट वे ऑफ डू इट। उसके बाद इसका आंसर देखें तो आंसर देख सकते हैं आप, इसका आंसर हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हिंदी मीडियम में कि सर्कल की अवधारणा को पढ़ाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा करने की सबसे अच्छी तरीका होगा कि एक सर्कल की तस्वीर प्रस्तुत की जाए विभिन्न आकारों के मंडलीय और वर्तमान तस्वीरें, सर्कल और अंडाकार की वर्तमान तस्वीर, तो इसमें क्या करना चाहिए। तो देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन होगा, विभिन्न आकारों के मंडलीय और वर्तमान तस्वीरें को बताना चाहिए जो कि बच्चे समझ सके कि इस प्रकार से कर्सर सर्कल होता है। यहाँ देख सकते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है कि टीचिंग अधिक प्रभावी होता है, यानी टीचिंग की अधिक शिक्षण जो अधिक प्रभावी होता है अगर शिक्षक क्या करे तो आपका ज्यादा उद्देश्य पूर्ण बनाता है, विषय का मालिक है। यहाँ देख सकते हैं कि विभिन्न निर्देशकों सहायतों का उपयोग करना है, शुरुआत में अपने अध्ययनों अपने उद्देश्यों की ओर घोषणा करना, उद्देश्यों की जो है घोषणा करना है। इसका आंसर देखें तो सी निकल के आता है। अगर इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं तो इंग्लिश में देखें कि टीचिंग वुड बी मोर इफेक्टिव इट द टीचर्स। उसके बाद है आंसर होगा इसका, देख सकते हैं आंसर है, आंसर सी है कि यूजेस वेरियस इंस्ट्रक्शनल एड। यहाँ पर कह रहा है कि यूज वेरियस इंस्ट्रक्शनल एड। यहाँ 80 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया स्कूल शुड कंसंट्रेट ऑन जो है कि क्या होनी चाहिए। देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स टू फेस हंटर्स ऑफ डेली लाइफ, उसके बाद इंक्लूजन ऑफ वैल्यूज क्रिटिसाइज बाय द कम्युनिटी, उसके बाद है प्रिपेयर फॉर एकेडमिक एक्सप्लेनेंस, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेंड्स, उसके बाद ऑफ गुड सिटिलाइजेशनशिप गुड सिटिलाइजेशनशिप। इसके बाद इसी क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी में आप देख सकते हैं कि जो भारत जो है कि लोकतांत्रिक देश में से स्कूलों को ध्यान देना चाहिए, उसके बाद है कि दैनिक जीवन को बाधाओं का सामना करनी चाहिए, विकास करनी चाहिए। तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा डी, यानी अच्छी नागरिकता के लक्षणों का विकास करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो यानी कि कोर्स नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट जो है कि 6 जल्द मिलेंगे आपको।